फ़ोन पे टेक्निकल इशू, जिसमें हमारे जो है हम जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, पेमेंट सेंड नहीं हो रहा है, इस तरीके से एरर देखने को मिल रहा है। दिए रहे जी टेक्निकल इशू एट योर बैंक, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। और पेमेंट यहाँ पे फेल्ड दिखा रहा है जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये मेरा फ़ोन पे है और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक का है। मोस्टली ये इरर सभी बैंकों के साथ देखने को मिल ही जाता है। तो कैसे सोल्व करना इस प्रॉब्लम को, आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, कोई भी पार्ट स्किप मत कर देना, अदरवाइज आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व नहीं हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, देखिए ये वैसे तो बैंक की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वर डाउन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये बैंक की सर्वर डाउन की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और बड़ी आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। सबसे स्टार्टिंग में प्ले स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको जो है फ़ोन पे लिखना है, फ़ोन पे लिख के सर्च करना है। अगर ऐप में अपडेट आ रखा है फ़ोन पे में तो उसे अपडेट कर देना है। उसके बाद ये देखना है ट्रांजैक्शन करके, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली सेंड हो जाता है तो ठीक है, जब फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो फ़ोन पे ऐप है उस पर एक सेकेंड के लिए दबा के रखना है ऐसे। यहाँ देखिए इस तरीके से फ़ोन पे एक सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, ऐप इन्फो पे आएंगे एंड इसे अब आपको फोर्स स्टॉप करना है, स्टोरेज यूजेज में आना है, क्लियर कैच कर देना। उसके बाद ट्राई करके देखें, अगर ये एरर हटता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हट रहा है तो फिर भी मैं लास्ट में एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी यूजफुल है। आपको क्या करना है, अपना फ़ोन पे ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं जो है फ़ोन पे को ओपन कर लेता हूँ। आपको भी फ़ोन पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पिन डाल रहा हूँ फ़ोन पे का, इसलिए स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है। फ़ोन पे जब आप ओपन कर लेंगे तो अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट मेथड्स के जस्ट नीचे बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपने बैंक पे क्लिक करें, जिस बैंक के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रखी है उसमें सबसे नीचे आएँ। अनलिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से अनलिंक बैंक अकाउंट कर दें, ठीक है। अनलिंक बैंक अकाउंट करने से अगर वापस में आप फिर लिंक कर लेना, मोबाइल नंबर डाल के लिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, और साथ में आपको एक काम और करना है, अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में लगा के वापस में हटा देना है, ठीक है। इतना करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो इसका मोस्टली बैंक का ही इशू है, आपके फ़ोन का या ऐप का कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सिंपली अभी जो है मार्च ख़त्म हो चुका है और अप्रैल नया साल सरकार के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है 1 या 2 तारीख, तो इन दिनों में जो है 1 या 2 तारीख तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उसके बाद अपना आप ही सॉल्व हो जाएगी।